कॉलर्स फॉर डॉलर्स इनसाइड इंडिया स्कैम कॉल सेंटर्स। तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कहा कि उनके 300 मिलियन डॉलर से ज्यादा नुकसान हुआ उनका ये फेक कॉल सेंटर्स के जरिए, और 75 लोगों को अरेस्ट किया मुंबई में से, 75 लोगों को अरेस्ट किया। ये लोग क्या करते थे, अमेरिकन लोगों को कॉल करके कहते थे कि हम टैक्स अथॉरिटी से कॉल कर रहे हैं, अमेरिकन टैक्स अथॉरिटीज के हम लोग हैं, और इस तरह से लोगों के पैसे गलत वसूलते थे और क्या करते थे, उनको चीट करते थे। तो अगर ये चीज को देख करके, अगर मिसाल के तौर पे अमेरिका के लोग कहें कि इंडियन लोग सब चोर है, सब इंडियंस चोर है, तो हम इंडियंस क्या बोलेंगे? हम ये कहेंगे नहीं, हम सब इंडियंस चोर नहीं है, ये 75 लोगों ने किया, चोरी कर रहे थे, गलत है, लेकिन हम सारे इंडिया के लोग चोर नहीं है। आप इससे स्टीरियोटाइप मत बनाओ कि सब इंडिया के लोग चोर है, ऐसा स्टीरियोटाइप मत बनाओ, ये गलत हो रहा है, ये ना इंसाफ, ये जुल्म है। अब क्या होता है कि आज मीडिया के अंदर स्टीरियोटाइप मुसलमानों के बना के पेश किए जा रहे हैं। मैंने ये मिसाल क्यों दी, क्योंकि अगर हम पे आप बात आएगी ना, मैंने जब ये वर्ड्स बोला ना तो मुझे बोलते वक्त दर्द हो रहा था, क्योंकि अगर कोई कहे कि भाई सारे इंडियंस चोर ही होते हैं ये लोगों की मिसाल देख करके बोले, तो फिर हम लोगों को बुरा लगेगा। मैं चाहता हूं आपको बुरा लगे और आप पहचानो कि गलत चीज है, और हमें भी ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो लोग मुसलमानों के खिलाफ इस तरह से स्टीरियोटाइपिंग करके नफरत फैलाते हैं, मैं उनको कहता हूं रुको, ये गलत बात है, और मैं इंसाफ वाले सारे लोगों से अपील करता हूं कि आपके अंदर इंसाफ है ना, तो आइए ये नफरतों को खत्म करें। आज इतना बड़ा हेट क्राइम हुआ है और ये सारी चीजें यहां जगह जगह से हो रही है, तो हमें ये हेट को, नफरत को अपने अंदर से खत्म करना होगा, क्योंकि हम जिम्मेदार है इस चीज का, ये चीज का हमें परिणाम मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा। जो गलत है वो गलत है, हमें पहचानना चाहिए। आज कर सकता है कोई इंसान, लेकिन कल उसका परिणाम मिलेगा। देखो, कोई चीज अंदर चुभती है ना, उससे पहचानो कि गलत चीज गलत है। तो ये है हमारा, मैंने एक मिसाल रखी, एक और मिसाल मैं देता हूं कि सोचो कि अगर कोई और शख्स है आपके शहर वाला, उसने कोई क्राइम किया है और उसके लिए आपको पकड़ करके सजा दी जाए कि भाई तुम्हारे गांव वाले ने ये सजा की, ये काम किया इसलिए तुम्हें पकड़ के सजा देंगे, तो हम में से कोई कहेगा कि हाँ बहुत अच्छा हो रहा है, इंसाफ हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है? हम कहेंगे नहीं, हम ये नहीं कहेंगे, हम यही कहेंगे कि गलत है, जुल्म है, उसको सजा दो, जिसने गलत किया उसको सजा दो। ये इंसान, कोई भी इंसान समझ सकता है। ये हो गई दूसरे पॉइंट। तीसरा, एक और तीसरी मिसाल मैं आपको देना चाहता हूं। एक शख्स था जिसका नाम है डेरेक बेंटली। ये एक बहुत ही एग्जाम्पलरी मिसाल है। 19 साल की उम्र में उसको मौत की सजा दी गई थी एक मर्डर के लिए, लेकिन 45 साल का लीगल बैटल हुआ, उसके बाद जाके साबित हुआ कि वो मासूम था, और जज ने इस तरह से किसी और की सजा, वो एक गलत तौर पे उसको मासूम को सजा दी। तो अब यहां पे बात क्या है, यहां पे बात मैं रख रहा हूं कि ऐसा दुनिया में अगर हो तो हम सब मानते हैं कि गलत है, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि अब देखिए मासूम लोगों को, वो उसके अंदर जो भी नफरत दिल में भरी है उसको, वो नफरत को क्योर करना चाहिए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सड़कों पे घूम रहे हैं, जो ऐसी बातें कहते हैं नफरत की, अगर उनको भी मौका मिले तो वो भी ऐसा ही कुछ काम कर देंगे। तो ये सारी नफरत को खत्म करना, ये बहुत जरूरी है। एक तीसरी मिसाल कि क्या आपको पता है कि इस्लामिक टेररिज्म मीडिया में बहुत ज्यादा हाइप्ड है। ये मेरे पास रिपोर्ट यहाँ की है, ये रिपोर्ट आप देख सकते हो, इंडिपेंडेंट न्यूज़पेपर यूके की रिपोर्ट है, और ये रिपोर्ट के अंदर आया कि अगर किसी टेरर काम के अंदर किसी मुस्लिम ने किया है ना, उसको 5 times ज्यादा कवरेज मिलती है। ये यूके की बात है कि वहां पे कोई काम, क्राइम अगर मुस्लिम करे, क्रिश्चियन करे, एथियस्ट करे, क्राइम क्राइम होता है ना, उसको इक्वल कवरेज देना चाहिए। लेकिन मीडिया क्या करता है, ब्लो अप करता है कुछ चीजों को ब्लो अप करता है, और कोई क्राइम को ब्लो अप करता है, अगर मुसलमान ने कोई क्राइम किया है तो उसको 5 times ज्यादा कवरेज मिलती है। ये रिपोर्ट में आया, इंडिपेंडेंट रिपोर्ट के अंदर। लेकिन अगर इंडिया में ऐसी रिपोर्ट कंडक्ट की जाए तो शायद इंडिया के अंदर हमें पता चलेगा कि 5 नहीं, हो सकता है 50 times ज्यादा कवरेज मिलती है, हो सकता है 50 times ज्यादा कवरेज मिलती है अगर करने वाला परपेट्रेटर मुस्लिम है कोई भी क्राइम के अंदर, चाहे कोई भी काम क्यों ना हो। क्योंकि इससे क्या हो रहा है, ये स्टीरियोटाइप्स क्रिएट हो रहे हैं, और ये आम आदमी, रास्ता चलता आदमी को हर मुसलमान फिर ऐसा दिखता है, ये क्रिमिनल है, इसको मार देना चाहिए, और फिर क्या होता है, उसी का नतीजा ही। ये मैं नतीजे के पीछे जाना चाह रहा हूं, ये जो चीज हुई उसके गम हम सबको है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन उसके पीछे जाएंगे अगर तो ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्यों समझना बहुत जरूरी है, उसको क्या और करना जरूरी, ताकि ऐसे और 10 चीजें ना हो। और मैं आप सब कंट्री के लोगों को उभारता हूं कि मेरा साथ दो, हम सबको साथ मिलकर ये मैसेज को पहुंचाना चाहिए हमारी कंट्री तक, ताकि सारे वो लोग जिनके अंदर इंसाफ है, जिनके अंदर सच्चाई है, ईमानदारी है, जो समझते हैं गलत गलत है, वो सब एक आवाज में कहें कि ऐसी चीज हमारी कंट्री में नहीं होना चाहिए। अब कोई कहे कि ये जो शख्स था, उसने जिसने किया, उसके अंदर कोई मेंटल सिकनेस थी, लेकिन उसको क्या फीडिंग दी गई, ये खून का, जो खून जो हुआ, जो मर्डर हुए, उसका खून किसके हाथों पर है,
उसके हाथ पर तो है ही, लेकिन उसके अलावा किसके हाथों पर है? ये मीडिया के हाथों पर है, जो उसके दिमाग के अंदर ऐसी नफरतें फैलाते हैं, ऐसे स्टीरियोटाइप्स बिल्ड करते हैं कि सब लोगों को इसी नजर से देखने लगते हैं लोग। ये चीज कहना गलत है। कैसे कवरेज ज्यादा देकर कि कोई भी गलत काम, मुसलमान में भी कोई हो सकता है जो गलत करे, हम उसको कंडेम करते हैं, हम उसको सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जो इसको इतना ज्यादा कवरेज दे करके स्टीरियोटाइप्स क्रिएट की जा रहे हैं, यही तो नफरत है जो अंदर भर भर के बाहर निकल रही है। उसी तरह आप देखोगे मेजॉरिटी ऑफ टेररिस्ट हुआ अटैक अमेरिका नॉट मुस्लिम, न्यू स्टडी फाइंड्स। तो यानी जो कहा जाता है कि मुस्लिम्स नहीं कर रहे हैं, ये मुस्लिम्स है टेररिज्म, ज्यादा मुस्लिम्स, तो उल्टा हकीकत क्या है ना कि मुस्लिम्स भी है जो गलत है, हम लोग सब उसको कंडेम करते हैं, हमारे नजदीक वो टेररिस्ट है, उनको सजा देनी चाहिए। लेकिन जो स्टीरियोटाइपिंग की जा रही है कि सबको एक ही ब्रश से पेंट करवा लो, सारे मुसलमान ऐसे होते हैं, ताकि एक मुसलमान को देख करके नफरत आए, ये बहुत गलत चीज हो रही है।